हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके मेमोरी बेस्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये पेपर मेमोरी बेस्ड है। जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया हुआ था, हमने ये क्वेश्चन उनसे कलेक्ट किए हुए थे, तो उसके बेसिस पे हमने इसे प्रिपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ट्रांसमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट वायरसेस। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हेमिप्टेरा। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इज अ नंबर ऑफ सीड टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सीड व्हेन इट इज सोन एंड हार्वेस्टेड। ये डेफिनेशन दी गई है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो की। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज लोएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। किस क्रॉप में जो है लोएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पोटैटो क्रॉप। क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, सेमी एरिड ड्राई रीजन कवर हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स आर देयर इन दिस रीजन। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 to 4.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, अ जियोलॉजिक फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर बट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसमिट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रेफर्ड टू बी विच अमंग द फॉलोइंग। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वीक्लाउड। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, टू कंट्रोल द वीड्स इन क्रॉप्ड लैंड विच काइंड ऑफ मल्च वुड बी मोर सुटेबल फॉर दिस पर्पज। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक मल्च। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीट कोर्स चाहिए और इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स का प्राइस केवल और केवल आपको पड़ेगा 900 रुपये। इस 900 रुपये में हम आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस कब नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको 50+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू का गाइडेंस। ये कंप्लीट पैकेज हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पर अवेलेबल है, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर विजिट कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, टू मीज़र द सॉइल मॉइस्चर टेंसियोमीटर आर जनरली यूज फॉर विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल टेंसियोमीटर आर नॉट जनरली सुटेबल। इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्ले सॉइल। जो आपका टेंसियोमीटर होता है, इसको क्ले सॉइल में इसके लिए जो है सुटेबल नहीं होता है, और जो सॉइल मॉइस्चर होता है इसको जो है टेंसियोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मोल ड्राइनेज इज अ सब सरफेस ड्राइनेज, इट डीज दिस सॉइल टू बी मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज नॉट इफेक्टिव इन विच काइंड ऑफ सॉइल। जो आपका मोल ड्राइनेज है, किस सॉइल में इफेक्टिव नहीं होता, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज ट्रू अबाउट ग्लैडियोलस हार्वेस्टिंग। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब आपका ऑल ऑफ दीज, मतलब जो है आपका द स्पाइक वुड बी रेडी फॉर हार्वेस्ट फ्रॉम 60 to 120 days आफ्टर प्लांटिंग, द स्पाइक वुड बी हार्वेस्टेड एट टाइट बड स्टेज, द स्पाइक विथ 1 to 5 फ्लोरेट शोइंग कलर। ये सभी जो इसमें सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, मिलेट्स आर द क्रॉप विच यूज्ड द वाटर मोस्ट इफिशियंटली, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज सेम वाटर यूज इफिशियंसी। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल मिलेट एंड मेज, इनमें जो है सेम वाटर यूज इफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, व्हाट इज द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ टिलेज इन कंपैरिजन टू फील्ड कैपेसिटी। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर जनरली द इंडिकेटर क्रॉप फॉर डिफिशियंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन डिफिशियंसी। जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ये आयरन की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाई सोरगम इज नोन एज कैमल क्रॉप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैमल क्रॉप कहते हैं सोरगम को क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सभी जो सही हैं, मतलब आपका इट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, इट हैज़ एबिलिटी टू ग्रो इन एरिड सॉइल और इट रिक्वायर अबाउट 1/3 लेस वाटर देन व्हीट, इसलिए इसको दोस्तों बोलते हैं आपका कैमल क्रॉप। ये तीन जो है मेन रीज़न है इसलिए इसको बोलते हैं कैमल क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टू प्रोड्यूस 100 किलोग्राम ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर पोटेशियम इज हाईएस्ट इन विच क्रॉप। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉटन क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्लाउ प्लांट टिलेज इज कैटेगराइज अंडर विच काइंड ऑफ टिलेज सिस्टम। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम टिलेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फॉर ड्राई टिलेज हाउ मच सॉइल मॉइस्चर इज सफिशियंट। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20-25%। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर अप्लाइड बाय मीन ऑफ फोलियर एप्लीकेशन विच न्यूट्रिएंट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड रैपिडली नॉट स्लोली। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइटोकाइनिन। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब आपका जो है इट रिवर्सेस एपिकल डोमिनेंस, डिले लीफ सीक्वेंसेस सिंथेसाइज्ड इन रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर ऑर्गन्स, ये सभी जो है इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इन द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ डाउन क्लावर कालवर हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड पर पैन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1, एक जो है एलिमेंट रिक्वायर होता है पर पैन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन पाउल्ट्री द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच एक्ट एज रिजर्व टू होल्ड द मॉइस्टेंट फीड इज नोन एज। इसका आपका आंसर है ऑप्शन डी, क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 20, एट विच एज ऑफ गुड क्वालिटी सीमेन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कैटल। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, 22-24 मंथ्स की एज पर जो है जो कैटल का जो बुल होता है वो गुड क्वालिटी का जो है सीमेन प्रोड्यूस करता है, जो मेल होता है कैटल का। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेन ब्रीड ऑफ बैकयार्ड पाउल्ट्री। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी, मतलब आपका कारी निर्बीक और आपका जो है रोड आयरलैंड रेड, ये दोनों जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हेन मिल्क फैट इन मिल्क इज सब्स्टिट्यूट विथ सम वेजिटेबल ऑयल और फैट इट इज टर्म एज। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्ड मिल्क। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर लेयर्स इन डिग्री सेल्सियस। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13-20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अ मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप बर्ड इज टेकन आउट फ्रॉम सियान सूट सिमिलर साइज इन सीजन इज मेड ऑन रूट स्टॉक द बर्ड इज प्लेस्ड ऑन रूट स्टॉक विच मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज दिस। इसका आपका आंसर सही था दोस्तों ऑप्शन बी, पैच बर्डिंग। ये जो क्वेश्चन आया है ये पैच बर्डिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, पनामा डिजीज ऑफ बनाना कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइम।
क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई रैपिड फीडिंग फॉलोड बाई डिहाइड्रेशन अंडर वैक्यूम इज कॉल्ड, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लायोफिलिसेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, ड्रॉपिंग ऑफ स्मॉल फ्रूटलेट्स इन लार्ज नंबर बोथ इन अंबे एंड मृग बहार ड्यू टू कंपटीशन फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इज सेड टू बी, इसका आपका आंसर है ऑप्शन ए पोस्ट सेटिंग ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, सिलेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड मे अकर ड्यू टू, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज, मतलब आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन, डिफरेंशियल रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, सभी इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ शुगर केन वॉज चेंज इन विच ईयर फ्रॉम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर मिस्टेक से SMP हो गया, यहाँ पर आपका रहेगा MSP टू FRP फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस में कब चेंज हुआ था, जो आपका शुगर केन की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो MSP से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो आपका FRP है फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस इसमें चेंज कब हुआ था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में चेंज हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल वॉज इनेक्टेड ऑन, इसका आंसर था आपका ऑप्शन ई 2013। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ माइनर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया, इसका आंसर था आपका ऑप्शन सी टैंक्स। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, इसका आपका आंसर था ऑप्शन डी 307.8 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2013 विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर बात की जाए परसेंटेज कितना हाईएस्ट है जो है फॉरेस्ट का, तो परसेंटेज जो मिजोरम है वो हाईएस्ट है पूरे इंडिया में, स्टेट में जो मिजोरम है इसमें जो है 90-95% जो है फॉरेस्ट एरिया है। और दोस्तों अगर बात की जाए एरिया के अकॉर्डिंग तो नंबर एक पे आपका आता है मध्य प्रदेश, हाईएस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपका 34 था, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हैज़ पोटेशियम परसेंटेज एंड इफेक्ट ऑन सॉइल, इसका आंसर था आपका ऑप्शन सी 60% न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सिंगल सुपर फास्फेट हैज़ 3 न्यूट्रिएंट हैज़ दीज न्यूट्रिएंट, इसका आंसर था आपका ऑप्शन ई फास्फोरस सल्फर और कैल्शियम, ये सभी जो है न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, व्हाट इज़ द स्पेसिंग इन सेंटीमीटर ऑफ च्यूइंग टोबैको, इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी 75x75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डुअल पर्पज कैटल ब्रीड, इसका आंसर था ऑप्शन डी निमाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज हाईएस्ट सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पिजन पी, इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40, जूलॉजिकल नेम ऑफ ग्राम पॉट बोरर, इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी हेलिकवर्पा अर्मीजेरा। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच फॉलोइंग रिवर हैविंग लोएस्ट सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन, इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन रीजन ऑफ आयरिश फेमाइन ऑफ पोटैटो वाज, इसका आंसर था ऑप्शन ए आपका लेट ब्लाइट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, कॉटन इज अ डे न्यूट्रल प्लांट, कॉटन लेंथ इज मेजर्ड बाई,
इसका आंसर था आपका एरिलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, मंजीरा वैरायटी ऑफ मैंगो इज क्रॉस्ड बाय, इसका दोस्तों आंसर था आपका ऑप्शन ए रुमानी क्रॉस नीलम, ये जो है मंजीरा का क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, पूसा सुब्रा पूसा स्नोबॉल के वन इज अ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ब्लैक रॉट एंड कर्ल ऑफ विच क्रॉप, इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी कॉलीफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 46, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% विल बी कंसाइडर्ड एज, इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी श्रब्स। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, व्हाट इज द कवरेज ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी हार्वेस्टर, इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी 1.5 हेक्टेयर पर डे। क्वेश्चन नंबर 48, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन, इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी 32% and 38%। क्वेश्चन नंबर आपका 49 था, पीपल बिलोंगिंग टू हॉट एज ग्रुप आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम स्कीम, इसका आंसर था आपका ऑप्शन ए 18 to 35 एज ग्रुप के लोग जो है ट्राइसेम स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कास्ड बाई, इसका आंसर था आपका ऑप्शन सी एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो दोस्तों ये था पेपर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो कि एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की कम्प्लीट तैयारी करनी है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस केवल आपको पड़ेगा 900 रुपये। इसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज का। ये नोट्स आपका प्रिंटेबल रहेगा और आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, मतलब आपको जो हम प्रोवाइड करेंगे अगर आपने उतना पढ़ लिया तो उसके बाद से कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आपको इस पैकेज में मिलेंगे 50+ मॉक टेस्ट और आपको मिलेगा 1 क्वेश्चन बैंक और आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर आपका इंटरव्यू के लिए हो जाता है सिलेक्शन तो आपका इंटरव्यू का जो गाइडेंस होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको इस पैकेज में। और इस कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ की है। अगर आपको एक कोर्स परचेज करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर GK इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे इंस्टाग्राम से। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों अगर आपको केवल मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 50+ मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।